हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग एडिशन सीखने वाले हैं। कई बच्चों को एडिशन में तकलीफ होती है, उनको कई बार डाउट आता है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे एडिशन के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको टू डिजिट नंबर दिख रहा है, 34 + 23। इसका एडिशन कैसे करेंगे? तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? आप स्टार्ट इस तरफ से करोगे, ठीक है, वंस प्लेस से, यहां से इस तरफ से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। सो राइट में क्या है? फोर है ना, तो इसको लिख दिया हमने 1, 2, 3, 4। और वैसे ही यहां पे कितना है? यहां पे 3 है ना, तो वो हम लोग 3 लिखेंगे, 3 लाइंस 1, 2, 3 लाइंस। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें एडिशन करना है ना बेटा। एडिशन करना है मतलब क्या? कि अब इन सभी लाइंस को हमें जोड़ना है, प्लस करना है हमें। अब प्लस करने के लिए क्या करेंगे? देखो, प्लस करने के लिए एक एक करके हम इनको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आया बेटा? 7 आया। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 7। ठीक है, तो राइट साइड का काम खत्म हो गया। अब लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या है? यहां पे 3 और 2 है ना, तो 3 + 2, तो यहां पे मैं बना दूं 3 के लिए लाइंस, 1, 2, 3, और 2 के लिए 1, 2। अब इन पूरे को हम लोग ऐड करते हैं, है ना, कि ये पूरा कितना हुआ, कितना है ये देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया? 57। इस तरह से सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है यहां पे। ओके, देखो ये रहा 69 + 5 = 25। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, हमें स्टार्ट किस तरफ करना है? राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड ये तरफ से। यहां पे देखो 9 9 है, तो यहां पे 9 लाइंस बनाएंगे हम लोग। पहले 9 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और नीचे क्या है बेटा? नीचे 5 है ना, तो हम लोग 5 लाइंस बनाएंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है हमें? अब हमें ऐड करना है ना, तो हम इन सब को ऐड कर देंगे, इन पूरे को ऐड करेंगे। तो चलो काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना आया? 14 आया ना, 14 आया। अब आप क्या करोगे बेटा? 14 आया तो आपको लगेगा कि यार इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं 14 में। 14 क्या होता है? 1 और 4 होता है ना, 1, 4, 14। तो इसमें होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, तो 9 और 5 क्या हुआ? 14 हुआ। तो इसमें जो 4 है ना, ये वाला 4 राइट, वो हम लोग यहां पे नीचे लिखते हैं। और ये 1 कहां पे लिखेंगे? 1 लिखेंगे यहां पे ऊपर, 6 के ऊपर। इसको बोलते हैं कैरी करना। 1 को आपने कैरी किया है, मतलब आपने 1 को वहां पे ऊपर लिख दिया है। अब बेटा क्या करेंगे पता है? अब हम लोग इन सबको कैलकुलेट करेंगे लाइंस बना के। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 6 और 2 है ना, तो 6 लाइंस बनाओ पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर ये 2 है तो उसके लिए 1, 2। और ये जो ऊपर 1 है ना यहां पे, उसके लिए भी एक और लाइन बना दो। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करो, टोटल करो इन सब का। टोटल करना है हमें, इन सबको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया? 9 हो गया ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? इसका आंसर आना चाहिए 9। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 9। तो ये क्या आया? 94। तो इस तरह से आपने देखा कि पिछले वीडियो में आपने देखा यहां पे, इसके अंदर पिछले एग्जांपल में, कि यहां पे हमने ऐड किया लेकिन कोई कैरी नहीं था, जबकि यहां पे ये 1 कैरी है राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप और कर सकते हैं बच्चों। एक और आपको एग्जांपल दे दूं ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है,
एक और एग्जांपल जिसमें कैरी करने का नहीं होगा, है ना, सिंपल है बात। फोर और सिक्स, यहां पे है सपोज थ्री और इधर है फाइव, ओके। तो इन्हें हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लाइंस बनाते हैं पहले लाइंस। तो चलो लाइन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा पतला ले लेते हैं। हाँ, लाइन ड्रॉ करने के लिए सिक्स और थ्री किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे ना, सिक्स से, सिक्स और थ्री। तो पहले सिक्स लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन। फिर ये थ्री के लिए तीन लाइन और, वन टू थ्री। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए बेटा इन सबको काउंट करना पड़ेगा ना, अब तो काउंट करते हैं। चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो गया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नीचे नाइन। ये वीडियो देखते वक्त आप भी मेरे साथ लिखते रहो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग को क्या करना है। अब देखो, अब बारी आई फोर और फाइव की, है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड वाला में फोर और फाइव। तो यहाँ पे देखते हैं, फोर वन टू थ्री फोर, ये लाइंस बना दी, और फाइव के लिए पांच लाइंस और, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। चलो मतलब काउंट करते हैं ना इन सबको पहले, तो काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना हुआ, यहां पे भी नाइन आ गया। तो ये आंसर में नीचे लिखेंगे नाइन। तो आपका आंसर कितना आया, 99। ओके, अब एक एग्जाम्पल जिसमें हमें कैरी करना होगा, रेडी। तो आई होप आप लोग भी ये नोटबुक निकाल के अपने पेंसिल से लिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये आपके इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा एडिशन के लिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं थ्री और एट, यहां पे लिखूंगा मैं सेवन और नाइन, ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। ऑलराइट, चलिए एक काम करता हूं बच्चों, मैं ये मिटा देता हूं, ये वाला जो है ना, ये तो आपने लिख दिया होगा तो इसको मिटा देता हूं। अब आप जैसा मैंने बताया वैसा हमें पहले ऐड करना होगा, पहले लाइंस बनानी होगी। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से ना, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एट लाइंस बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लाइंस, ठीक है। और फिर ये जो सेवन है ना, सेवन के लिए सेवन लाइंस बनानी पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इन सभी लाइंस को आप ऐड करोगे, मतलब के काउंट करो पहले कितनी हुई लाइंस, वो सब काउंट करो। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितना हुआ, फिफ्टीन, वन फाइव फिफ्टीन। तो वन फाइव फिफ्टीन आया ना। आप सोचोगे वन फाइव फिफ्टीन है सर, ये कैसे लिखेंगे यहां पे, क्या वन फाइव फिफ्टीन लिख दे, नहीं, ये जो है ना नंबर, ये वाला राइट साइड वाला फाइव, ये फाइव को आप नीचे लिखते हो यहां पे नीचे, और ये वन किधर जाएगा, ये वाला वन, ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऊपर यहां पे, ओके। ये कैरी हो गया, इसको बोलते हैं कैरी होना, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे वन भी है और ये थ्री है और ये नाइन है, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। चलो तो पहले वन इसके लिए बना दिया, और थ्री, वन टू थ्री उसके लिए लाइन बना दी। अब नाइन के लिए भी नाइन लाइंस बनानी पड़ेगी इस नाइन के लिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इन सबको ऐड करेंगे, मतलब काउंट करेंगे। चलो काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, कितना हुआ, थर्टीन। सो वन थ्री थर्टीन हो गया ना।
तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1, 3, 13। आप सोचोगे सर ये जो वन था ना आगे, वो आपने ऊपर जैसे ये वाला वन लिखा था वैसा क्यों नहीं लिखा? वैसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब आगे कोई नंबर नहीं है। यहां पे देखो इस तरफ कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो बस हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये बेसिक एडिशन समझ में आया कि किस तरह से एडिशन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।